मेराज आलम एक मेहनतकश इंसान घर की नाराजगी और परिस्थितियों से तंग आकर विदेश चला गया। अपने बीवी को तलाक देने के बाद वह एक नई शुरुआत की तलाश में था। विदेश में न उसका कोई खाता था और न ही वह अपने पैसे बैंक में जमा कराता था। उसने अपने धन को सऊदी के एक दोस्त के पास सुरक्षित रखने का फैसला किया, जिसे वह ईमानदार समझता था। कहा जाता है कि हर देश और हर समुदाय में ईमानदार और बेईमान दोनों तरह के लोग होते हैं। यही बात मेराज ने तब महसूस की जब वह 5 साल विदेश में काम करने के बाद अपने पैसे वापस मांगने गया। उसने सोचा था कि घर लौटकर यह पैसा उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगा, मगर उसका कफील, जो एक अमीर सऊदी शेख था, उसके पैसे वापस देने में आनाकानी करने लगा। कफील हर बार नए बहाने बनाता, अगले महीने दूंगा, थोड़ा और इंतजार करो। जब पैसे का हिसाब लगाया गया तो यह बड़ी रकम निकली। मेराज ने सोचा कि यह पैसा उसकी जिंदगी बदल देगा, मगर कफील की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने एक और चाल चली। कफील ने मेराज को अपने घर में रहने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि उसके लिए एक अलग कमरा है। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी की मदद करने के लिए वह बाजार जाया करे। मेराज उसकी बातों को समझ नहीं पाया और उसके घर में रहने लगा। एक दिन कफील ने अपने घर में एक छोटा फंक्शन रखा और अपनी पत्नी से कहा कि वह मेराज से कुछ सामान लाने को कहे। मेराज सामान लाकर कमरे में चला गया। उसी रात कुछ लोग उसके कमरे में घुस आए और उसे बुरी तरह पीटने लगे। जब उसने कारण पूछा तो उस पर कफील की पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने का झूठा इल्जाम लगाया गया। मेराज समझ गया कि यह सब एक षड्यंत्र था। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सऊदी के सख्त कानूनों के कारण उसकी सुनवाई तुरंत शुरू हो गई। अदालत में कफील और उसकी पत्नी ने झूठी गवाही दी। उन्होंने कहा कि मेराज ने घर के भरोसे का गलत फायदा उठाया और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। कफील ने अदालत से गुहार लगाई कि मेराज को मौत की सजा दी जाए, ताकि ऐसा दोबारा कोई भारतीय न कर सके। मेराज चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अगली तारीख दे दी और उसे जेल वापस भेज दिया। जेल में मेराज की मुलाकात एक अन्य कैदी से हुई। अब वह समझ चुका था कि उसकी कहानी केवल उसका दर्द नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का सच है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश जाता है और विश्वासघात का शिकार होता है। यह कहानी एक सबक है कि विश्वास करते समय सतर्क रहना जरूरी है और हर इंसान की नीयत को समझना चाहिए।